चिराग जी आ रहे हैं, पूछ लीजिएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोले हैं तो उस बात में दम तो है ही ना। चिराग जी आ ही रहे हैं, आ रहे हैं। तेजस्वी जी को पता है कि दोनों सीट हार रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोले हैं तो चिराग जी प्रचार करेंगे। तेजस्वी जी ना कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कर दिया कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर कह रहे हैं वो बातें पूरी तरीके से आधिकारिक है और वो ऑथेंटिक है। संजय जायसवाल अगर कह रहे हैं कि चिराग पासवान भाजपा के लिए प्रचार करेंगे तो वो सही बात है, और चिराग पासवान तो बिहार आ ही रहे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिएगा। ये आज पटना एयरपोर्ट पर भारत सरकार के मंत्री नित्यानंद का जवाब था जब उपचुनाव में चिराग पासवान के द्वारा बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के सवाल पर पूछा गया कि क्या चिराग सच में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। इस पर नित्यानंद राय ने कहा कि जब उनके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कह दिया है तो वो पूरी बात आधिकारिक तौर पे हुई है। हालांकि ये जब कहा गया कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से इस बात से इनकार किए जा रहे हैं तो नित्यानंद राय इस सवाल को टाल गए। हालांकि उपचुनाव में दोनों ही सीट पर जीत का दावा करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि उनकी कोई ना ए टीम है ना बी टीम है, बल्कि पूरी जो एनडीए है वो मजबूती के साथ है और दोनों सीट जो है वो जीत रही है बीजेपी। और इसी से घबराकर तेजस्वी यादव इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को पता है कि गोपालगंज में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ की जो सीट है वो बीजेपी के पास जा रही है, दूसरी मोकामा की जो सीट है वो भी भाजपा पूरी तरीके से जीत रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे हैं वो सीधे तौर पे मायने नहीं रखता है, बल्कि वो अपने हार से घबरा गए हैं लिहाजा इस तरीके के बयान दे रहे हैं। जबकि चिराग पासवान को लेकर जब सवाल किया गया तो नित्यानंद राय ने साफ साफ शब्दों में जो गेंद है वो प्रदेश अध्यक्ष के पाले में डाल दिया, कहा कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ही इस तरीके के मुद्दे पर फैसले लेते हैं और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम चीज़ें बता दिया है कि चिराग पासवान एनडीए के लिए प्रचार करेंगे, तो वो आधिकारिक बयान है, इसे कहीं अन्य बातों से जोड़कर नहीं देखा जाए। और जहां तक चिराग पासवान की पार्टी है या फिर चिराग पासवान को लेकर सवाल है तो इसका जवाब खुद अब चिराग पासवान देंगे, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जब चिराग पासवान बिहार लौटेंगे तो वही बताएंगे कि वो उपचुनाव में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सुनिए भारत सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान को लेकर, बिहार में दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर और तेजस्वी यादव के आरोपों पर। सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को महान पावन पर्व छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। छठ मैया और भगवान सूर्य सबके जीवन में खुशियाँ दें, स्वस्थ रखें। तेजस्वी जी ना कह रहे हैं, तेजस्वी जी को पता है कि दोनों सीट हार रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। वहाँ की जनता क्या कह रही है, जनता तो यही कह रही है कि दोनों सीट एनडीए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहाँ जीतेंगी दोनों जगहों से और भारी मतों से जीतेंगी। लोग बी टीम ए टीम नहीं बनाते हैं, हम लोग की एनडीए की एक टीम है और हम लोग सभी एनडीए एकजुट होकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए को है और दोनों सीटों पर बीजेपी जीतेगी। चिराग जी आ रहे हैं, पूछ लीजिएगा। कोई बातचीत एनडीए में आप कंफर्म कर सकते हैं इस बात को? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोले हैं तो उस बात में दम तो है ही ना। चिराग जी आ ही रहे हैं, आ रहे हैं आप लोग? नहीं, चिराग जी आ रहे हैं पटना, प्रचार करेंगे कि नहीं? प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे कल बोले हैं ना, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोले हैं तो चिराग जी प्रचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे यहाँ बोलते हैं इसका मतलब है कि वह आधिकारिक होता है। पर उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चिराग जी की तरफ हम करेंगे।